हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? और हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। और भाई, आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक अच्छी सी बात से और मज़ेदार बात से। तो भाई, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे। और बच्चे गए स्कूल, भैया भी गए अपने काम पर, और ये नक्श के पापा भी गए। मतलब घर में कोई नहीं है, मैं और दीदी हैं बस, सब बाहर हैं। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो भाई। बस इन्हें रीता रीता के धर दे और मेरी खातर इन बर्तना ने धर दे, मांजन की नहीं है। यो देख लो, यो इतनो बड़ो तास आपने दिखाऊं, देख लो भाई। और साथ में एक डोली और है, देखिए अभी दिखाऊं मैं आपने, देखना। नू के है मेरा ते अगर मैं एक्सरसाइज करूं, डाइट पे हूं मैं, बताइए। 4-5 किलो की तो यह डोली दिखी की, और बड़ो यो तास रीत को लड्डू आको। और लड्डू देखियो, बस ये एक डिब्बा में बच रहा। अब नू पूछे तो यह ये कित गया है इतना सारो सामान। नू बताइए, तू तो नू कह रहती है कि मैं डाइटिंग पे हूँ, देखिए का पेट है। और नू बताओ, नू बता पहली तो मैं जो घी दो वो घी कित गयो, अच्छो। और देखियो लड्डू हम गिर गो, और यो पड़ो भाई खाली। अरे लड्डू कित गया, लड्डू गए पेट में। तू तनु कहवे ते मुने एक भी लड्डू ना खाया, मैं थोड़ी खाए पेट ने खाए, पेट ने खाया। अरे को पेट देख लो कित जा रो, ए कुछ भी ना, बस नू ही रोके राखी है मैंने। जब भी काम करेगी ना नू ही राखे ना, खा के हो रही है लेकिन लड्डूआ ने मोटी। और नू कहे मुने तो कुछ भी ना खाया, मुने तो कुछ भी ना खाया। नू पूछ ले ये लड्डू कित गया, फिर झूठ बोलती रहे सदा। हाँ, खा के हो रही है मोटी फाटन ने। तो भाई, अब हम लग रहा घर का काम में, और घर का काम करके जाएंगे हम घेर में। तो भाई, हम काम के साथ अपने मौज मस्ती मजाक करता रहा, और घर का काम में जीसो भी लग हो रहा है। और भाई, ये जो है आज करा था हमने, ना सूख तो रहा ना है, तो हमने तूफान तो बरसा दिया था। और भाई, ये एक कट्टा जो है ना साफ करके रख दिया, और एक आध दिन में जो है इसने पीस लेंगे अपनी घर की चक्की में। तो जी, हमने जो अपना सारा काम निपटा लिया है, और पूजा भी कर ली है ना दो के। और जो है साथ में आज एक बात और है। तो जी, फाइनली हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, और डेली की तरह जो है आज भी हमें काम खत्म करने में बच गए हैं 11:30। और अब जो है समय हो गया हमारा खाना खाने का। तो हम जो है नहाने के बाद सबसे पहले पूजा करते, तो हमने पूजा कर ली है। और आज खाने में है जो हमने रात अपने जो ये कढ़ी बनाई थी वो, और साथ में बैंगन जो मैंने काटे थे वो, बैंगन की चटनी बना दी थी दीदी ने। तो चटनी है, लस्सी है साथ में, और कल हलवा बनाया था वो हलवा भी रखा था। तो बच्चों को तो हमने दिया नहीं, थोड़ा सा रखा हुआ था क्योंकि बच्चों का जो है जूठा था वो, और ठंडा भी ज़्यादा था, बच्चों को नुकसान देता, इसलिए हमने दिया नहीं। तो साथ में मीठे के लिए हलवा है। तो अब हम खाना खा लेते हैं। और ये दीदी देख लो, कह रही है मेरे है ना घुटने में दर्द हो रहा है, तो धूप में है ना पैरों की सिकाई कर रही है अभी से ही। गोड्डा में जी आ रहा है, क्या गोड्डा टूट गया है क्यों भाई? गोड्डा पड़ी घिसगी? अरे काम करते करते सारे घिस गया। मैं तो घिसगी कही है ना, हम तो ना घिसा। तो भाई, खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर हो जाएगा बच्चों के आने का समय। और जो है कल भी कपड़े नहीं धोए थे, तो फिर जब लगाएंगे हम मशीन, तो अब खाना खा लेते हैं। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और जो है सुबह जो मैंने रोटी बनाई थी चूल्हे पर वो पड़ गई थी थोड़ी, तो इसलिए मैंने और रोटी जो है गैस पे बना के रख दी बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो है दीदी ने एडवांस में कपड़े छाट दिए हैं मशीन लगाने के लिए, और लाइट आ ही नहीं रही है। और यहाँ पे बच्चे जो है खाना खा रहे हैं। हाय कर दो। हाय। तो ये रोटी और दही खा रहे हैं, और बेटी जो है पहले ही अंदर चली गई है खाना खा के। कह रही मैं इतने देर जो है थोड़ी देर फोन चला लेती हूँ। मैं कहा चलो आराम कर लो, कल की इनकी जो है शिवरात्रि की छुट्टी है, इसलिए बड़े फुर्सत में देख लो डांस और हो रहा है, छुट्टी के नाम से ही डांस इनका शुरू हो जाता है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, आज ये थोड़ा बहुत काम करेंगे और कल के लिए छोड़ देंगे, और कल करेंगे फिर काम। तो चलो खा लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी है ना, उसके बाद खेलेंगे। पढ़ाई कौन करेगा, थोड़ी देर पढ़ाई थोड़ी देर खेल लेना। तो चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। चाची धो गए कपड़े? अरे बेटा कहाँ धो गए कपड़ा, जब तो मम्मी धो रही थी। मम्मी गई देर में, शामी का टाइम हो गया, शामी करेगी धूप, बाबा निकलवाएगा कुछ कुछ, मम्मी निकालेगी, कितने में यहाँ का काम करूंगी, अभी तो ये पड़ा कितना सारा, और फिर इन्हें सुखाऊंगी। कपड़ा धोने के बाद क्या करोगे? कपड़ा
कपड़ा धोने के बाद एक दो तीन जगह पे बर्तन मेरे पीछे भी है और आगे भी है, यहाँ भी कूड़े इकट्ठा करूंगी और यहाँ की सारी साफ सफाई करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी और जब सारा काम भी बन जाएगा ना तब सबसे बाद में फिर जो है ये कपड़े सुखाऊंगी। अच्छा, और मौसम देख रोज घटा वाला हो रहा है, पता ना राम जी इस बार कैसे करके रहेगा, सारी फसल का नुकसान कर रहा है, कितनी घटा हो रही है। तो फाइनली जो है यहाँ का काम सारा जो है हो चुका है ख़त्म, कपड़े भी धुल गए हैं और कपड़े टाइम से धुल गए हैं क्योंकि लाइट आ रही थी, लाइट एक बार भी नहीं गई है और यहाँ के जो है मैंने साफ़ सफाई कर दी और बर्तन भी साफ़ कर दिए। साथ में ये जो बड़े बड़े टब है ना इनको हम ऐसे ही नहीं रखते, हमेशा इनका पानी सुखा के और जब रखते हैं इनको उठा के, क्योंकि इनके अंदर पानी रह जाता है ना तो पूरी रात फिर ये जल्दी गल कर ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका पानी जो है हमेशा सुखा के और जब रखते हैं हम। और यहाँ पर जो है हो रही है शाम के खाने की तैयारी और आज सब्जी बनेगी आलू की और पालक की, और यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और घेर का भी काम जो है वो ख़त्म हो गया है। सब्जी यहीं बनेगी गैस पे बनेगी? चूल्हे पे बना लूँगी। ठीक है, तो भाई आज सब्जी जो है चूल्हे पर ही बनेगी, जब टाइम नहीं होता या कोई सब्जी गलती नहीं है उसे हम जो है कुकर में सीटी लगा देते हैं और गैस पर बना देते हैं। और यहाँ पर जो है साथ के साथ जो है अब मैं यहाँ से जो है बर्तनों का और ये वाला कपड़ों का काम मैंने जो है करके कर दिया है, वहाँ से करके फ्री हो गई हूँ। और अब ये जो है ये गूदड़ी फट रही है, जिसको हम दरी बोल लो गूदड़ी बोल लो, हमारे यहाँ तो गूदड़ी बोलते हैं, तो इसका कवर जो है फट गया है तो दीदी इसको सही करेगी। और अब भाई यहाँ पर बैठूँगी मैं चूल्हे पर, चूल्हे के ऊपर नहीं साइड में, तब ये वाला काम जो है अब देखेंगे और अब करेंगे जो है शाम के खाने की तैयारी और देखते हैं फिर सुबह क्या बनेगा। बच्चे एनी और बच्चे गए हैं सारे बाहर मस्ती करने के लिए क्योंकि कल उनकी शिवरात्रि की है छुट्टी और कल हमारा फिर से व्रत है। देखिए एक बार इंगान, देखिए नू बता मेरी साड़ी के फाल लगा दी? लगा दी, झूठ क्यों बोला? हाँ साड़ी के फाल लगाई ना, और अपनों काम कर रही है पहले, ये गूदड़ी लेके बैठ गई ठीक करण की नहीं, और मेरी साड़ी की फाल आधी छोड़ दिया अधूरी है ना। वो तो कल कर दोगे पूरी ना? मैं कल तो पहरूंगी और के रात ने कर दी मुन्ना पा, तो पैसा नहीं देऊंगी एक भी। हाँ मत दिए। तो भाई यहाँ पर दीदी जो है इस गूदड़ी का काम निपटा रही है, ये कवर चढ़ा दिए, ये अंदर वाला जो ब्लैक जो है ये सारा जो है फट गया था। देख लो भाई एक तो काम करवा रही है और ऊपर तो मेरा पे मास्टर नहीं चिल्ला रही है, देख लो भलाई को जमानो ही ना रहे हो, करवा ले करूंगी तेरा काम जल्दी कर टाइम ना। तो देखिए आज जो है हमारे घर पर बन रही है जो है आलू पालक की सब्जी, वो भी चूल्हे पर, और जो कढ़ाई का साइज़ देखो आज कितना बड़ा ले रखा है, बड़ी कढ़ाई ले रखी है और जो है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, टमाटर भी घर का था पालक भी घर का ही है, और आज जो है चूल्हे पर ही पकाएंगे इसको क्योंकि पालक जो है बहुत पानी छोड़ देता है, और जब डाले थे तो इतनी सारी सब्जी थी और थोड़ा सा पालक हो गया, और ढकने के लिए देखो देसी जुगाड़ इतना बड़ा, तो भी थोड़ी सी देर में ही बन जाएगी सब्जी चूल्हे पर। और यहाँ पर जो मैंने आटा लगा दिया, अब नमक डालूंगी इसमें और जब तक ये जो है फूल जाएगा, और जब नमक डाल के इसमें लोच लगाऊंगी तब ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इससे रोटी जो है नरम और फूली फूली बनती है और सब्जी बस बनने वाली है। देखिए हमारी सब्जी जो है बिल्कुल बनकर हो गई है एकदम यम्मी वाली तैयार, और आपने ध्यान दिया हो मैंने जितनी भी जो है आपको सब्जी की रेसिपी दिखाई है, जब भी हम बनाते घर में सारी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो आपने देखा होगा हम गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डालते सब्जी में, हम जो है बिना जो है मैगी मसाला गरम मसाला कुछ भी मसाला हम मसाला नहीं डालते, हम बिना मसाले की सब्जी खाते हैं क्योंकि हमारे घर में है ना कोई भी है ना मसाले की सब्जी को पसंद नहीं करता, और ये सब्जी बनकर हमारी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। और जो है यहाँ पर सबसे पहले देखो ये पापा के लिए जो है टिफ़िन आ गया घेर के लिए, ये छोटी जो है दूध की डिब्बी आ गई है डोली, और आटा बिल्कुल जो है तैयार हो गया, अब मैं और दीदी दोनों जो है अब रोटी बनाएंगे और सब फटाफट खा लेंगे। और उधर देखो दीदी ने फ़ोन में भजन चला रखे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो कह रही आज मन कर रहा है थोड़ी देर भजन सुन लेते हैं, तो भैया अब ये वाला रोटी का काम हमारा बस होने वाला है, होने क्या वाला भी तो हमने स्टार्ट करा है, पर अब दो जने मिल के बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो भाई फाइनली जो है सबने खाना खा लिया है और सब्जी बनी थी बहुत ही टेस्टी, और जो है हमने जो है सारा काम भी ख़त्म कर लिया है, बस मैंने और दीदी ने खाना नहीं खाया है अभी,
तो हम दोनों भी खाना खा लेते हैं और मैं भाई इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।